قرآن مجید قرآن حمید دے ایک مقام تو آیا مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا دعا خدا کی عظیم آیات بینات دا صحیح مفہوم والی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سبحان دی اللہ توفیق آمین ولی کامل پیر مغان خطبہ دوا شیخ مکرم نبوار اللہ برکتہ تعالیٰ دے قرب دے اندر سلامہ قرص شرافا قدس مقدس تقریب دے اندر آقا کریم دے تمام غلام حاضر ہیں اللہ کریم اولیاء کرام دے فیضان دی برکت نال جتنے قرب دے اندر مومنین مومنات مسلمین مسلمات مدفون ہیں اللہ تمام دی بخشش ہو رکھے آمین درجات اُلت فرما اللہ کریم دی ذات پاک انہاں دی قبراں دے اُتے کروڑ ہا رحمتاں دے نشان وعدہ اولا شریک دی ذات پاک جتنے احباب اولیاء کرام دی بارگاہ دے اندر حاضری اعزاز واسطے تشریف گرن اللہ تمام دے قدم قدم تے نیکیاں اجر و ثواب عطا زی قدر مشائخین عظام زیب سجادہ آستانہ عالیہ وحب اللہ متعال حضور قبلہ حافظ محمد جمال نبر اللہ سجادہ نشین آپ اپنی نشست صدارت کے مطابق کرو جلو آرائے میں تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ صلت و تسلیم دے پاک برگزیدہ دے ذکر کی برکت نال اللہ کریم دی ذات پاک سارے ملک پاکستان کو امن دا گہوارہ بنا دہشت گردی دی تو محفوظ ہو اللہ کریم نظر بد تو محفوظ ہو اللہ کریم کی ذات پاک دے بلند پاک بارگاہ وچ سیدی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم دی ذات پاک دی بارگاہ وچ بڑے جلالی نبی ہیں آپ اتنے جلالی نبی ہیں حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام آپ نے سیدنا حضرت عزرائیل علیہ السلام جنہیں اپنے کمرہ اقدس کے اندر داخل تھیندہ ڈٹھانا آپ نے عزرائیل علیہ السلام کو پوچھا کون ہے تو آکھن لگا میں عزرائیل آپ فرما تو کیا کر رہا ہے آکھن لگا حضور میں تو کون مارنا آیا اور تیری روح قبض کرنا آیا اور تیرا وقت پورا تھی گیا اور تیری روح قبض کرتے مالک حقیقی دی پاک پاک ہے جا نہ سکتے اپنے فرما والتے کو آج تک آمن دا ڈھنگ نہیں سکھا میں تو جیندے کو لی وینا چپ کر دے وینا آپ نے کٹ تے مارا تھپو اک دا آن باہر جلے اک دا آن باہر آیا نا تے آپ نے پوچھا مجھے کیوں مارے وینا آپ فرمایا جائے بھیجے ہوتے اسرائیل علیہ السلام اک دا آنا جاتا تے مالک دی پاک بارگاہ وچ پہنچ گئے اللہ دیا تے پاک نے فرمایا اسرائیل جی فرمایا مارا ہے فرمایا مارا میں حکم یہ ہوں اللہ نے فرمایا مولا تو بھیجا ہوا ہم میرے کو مارے سے
मेरे को 5 घंटों मेरे को क्यों मारे अल्लाह दिया थे पाक ने फरमाया खबरदार है तेरे लफ्ज वल इस्तेमाल किया ते को नहीं पता मेरा नबी है पाक ने फरमाया नबी तो है मगर यो कोई तो पूछते ऐसा हो जाके मारा के अल्लाह दिया थे पाक ने फरमाया ते को आंख ना लेना जी हां फरमाते को आंख लेना मार मान रूह काट इजराइल अलैहि सलाम दी जात पाक को अल्लाह दिया थे पाक ने लफ्ज कुन आंख आंख जोड़ गए आपने फरमाया तू चुप कर दे आया क्यों आखणगा हुजूर मैं जींदे कुल वेना चुप कर दे वेना आपने उन जेड़ा लफ्ज दिता ना तुसा तवज्जो नाल सुनो आपने फरमाया ते सारे को बराबर समझो आपने फरमाया ए दसो तुसा मे को मारा क्यों आ फरमाया मे को तेरे नाल कोई दुश्मनी कह नहीं और ना ही मैं तेरे कोल कोई बदला घिरणा आई ना मैं कोई दरीना तेरे नाल मुकाबला करना आई पता है मैं तेको थप क्यों मारी है उन्हें क्यों मारी है आ फरमा अमीर दे दरवाजे ते वन्ने ता अपनी मर्जी नाल वन्ने अमीर दे दरवाजे ते वन्ने ता अपनी मर्जी नाल गरीब दे दरवाजे ते वन्ने ता अपनी मर्जी नाल हाकिम दे दरवाजे ते वन्ने ता अपनी मर्जी नाल महकूम दे दरवाजे ते वन्ने ता अपनी मर्जी नाल हर दरवाजे ते अपनी मर्जी नाल वन्ने पर जनन मोहम्मद दे दरवाजे ते वन्ने ना सुभान अल्लाह पहले सही कोलो पूछे बल में दे मोहम्मद दे दरवाजे इतने जलाली नबी है आप अल्लाह करीम दी पाक बारगाह च इक बार अर्ज कीता मौला ये जितना इल्म मे को दिते वे इंदे कोल इल्म भी आई ज्यादा कहीं को दिते वे अल्लाह दिया ते बाप ने फरमाया एक मेरा बंदा है जो को इल्म दीते बाप ने फरमाया अल्लाह से वो को चौका इल्म दीते में फरमा वा अल्लमना हु मिल्लतुना इल्मा वो को मैं रब दी जाते बाप ने इल्म लदुनी दीते आपने फरमाया अल्लाह से अगर गुना को इल्म लदुनी दीते वे ता अगर मैं उतरे बंदे को देखना चाहवा कल क्या तू मेरे को अपना बंदा मिलवा दे अल्लाह दिया ते बाप ने फरमाया पूरा जहान पूरा वसे पूरा मोहल्ला पूरी बस्ती बंदे नाल भरी पई है वाज अल्लाह बंदा की नहीं टक्कर बोसी आपने फरमा बंदा वो मिलवा दा सुभान अल्लाह बंदा चल गया बंदे च कुछ बंदे होने जड़े खास होने ना बंदे को लभना पौंदे ना बंदे को गोरना पौंदे ना बंदे को तलाश करना पौंदे वो टुरदे बंदे तरह हैं वो खांदे बंदे तरह हैं सुनदे बंदे तरह हैं शक्ल ही बंदे तरह होंदे ने कादी बंदे तरह होंदे ने पटके दे वाली बंदे तरह बंदे ने मगर चोले इवें पेंदे टुरदे इवें इबादत इवें करदे रियासत इवें करदे मगर होंदे बंदे दे विच मगर बंदे तो अलहदा होंदे महबूब लोग बरगुजीदा लोग को कोई बंदा अगर आके चना कि यार सारे बुए दे वाल वाल क्यों आदे वे तो कदा मथे दे वट नहीं पेंदे उठी दे चले वेंदे कई को पानी मंगे को पानी को नहीं देंदा जडन उना को कोई आके चा किते को असा रोटी देने है और रोटी खा गिंदे अगर कोई रोटी ना देवे कोई कई को मंगे च उना को रोटी खावन वास्ते कोई नहीं देंदा पावन वास्ते कपड़ा च मंगे को कपड़ा कोई नहीं देंदा पैर च पावन वास्ते कोई जुत्ती च मंगे तो वो जुत्ती दे तक गिंदे ने मगर वो कई को सवाल नहीं करेंदे मगर रब दी पाक बरगाह विच इतने काबिले कबूल होंदे के कसम च चावें अल्लाह निजाम बदला देंदे पर मोहम्मद दे गुलाम दी कसम को त्रोड़े ना नहीं लोग ऐसे भी हैं आपने फरमाया अगर हूं तेरे बंदे को तलाश करना चाहवा मिलना चाहवा गोरना चाहवा लपना चाहवा मेरे बंदा मिलवाओ अल्लाह दिया ते पाक ने फरमाया बंदा मेरा इतना ही मिलो जा आपने फरमाया अल्लाह से हमारे मेरे को डसाओ था सही
उभे रहांदे लंबे रहांदे अगवा ते चरांदे पिछवा ते चरांदे मशरक ते चरांदे मगरिब ते चरांदे शुमाल ते चरांदे जनूब ते चरांदे चलो पासा तां ॾिसां चा सिमत तां ॾिसां चा डायरेक्शन तां ॾिए चा इहो इशारो त कर चन भई चोंडे चरांदे अलाह जे ते बाग ने फरमाए ए ई नी मिले से ना मां जे लाभ बंदा मिलसिया सही मतलब मकनतीस होनी चालू अंदर मौजूद है आज अगर पेरों के बाहर ही बंदा दो घंटे खड़े वाली जवान खड़े अगर पलतियां मारते बैठे हुए तो मेरे घर के बंदा अगर कहीं शादी के उत्ते पावे कोई पानी ना पिलावे बंदा उठी तो चलावे एडे बेशनासी हैं एडे कुछ तमीज कहना ने लखा करोड़ों रुपए खर्चा कर गिना ने बिरादरी वास्ते बलावण वास्ते कोई कुर्सी कहना है छतरी जई गद्दी कहना है सगो पानी नहीं नी पिलाया इतनी देर थी के मैं ता कहीं को कह नहीं रिटा कोई जग पानी दा ही पिलेंदा वदा वे त्रिसे जो बैठे वे पता चल गया तारी जड़ी त्रे आई लांधी पई है क्योंकि बैठे जो वली दे बूहे दे बंदे दे दरवाजे दे उत्ते ही वे आपने फरमा लब बंदा लब मेरे पास ही बंदा आपने फरमा बंदा ता मिल सी मगर मैं मशरक इसी वैसा बंदे हो सन मगरब इसी वैसा बंदे हो सन शुमाल इसी वैसा बंदे हो सन जनूब इसी वैसा बंदे हो सन मगर मेरे को बंदा रह सा अल्लाह जी अतिपाक फरमा ते को बंदा दसेंदा नहीं मैं मगर आपने फरमा चलो अल्लाह सिया निशानी रह सुभान अल्लाह की कुरान में जी ऐता खड़ा पड़दा आपने फरमा अल्लाह सिया सिर्फ निशानी रह सा चो हुन बिल्कुल तवज्जो नाल सुनाए अल्लाह फरमाते को बंदे दी निशानी रह सा उना के जिया फरमा जित्ता मोई होई शै जिंदा थी वैसी मेरा बंदा हो थई सुभान अल्लाह सुभान कुरान मजीद का 15 सिपारा पढ़ो चासू थई खड़ी है सुभान अल्लाह कुरान मजीद दे 15 सिपारे दे आखिरी रकू को लो आखिरी पहला रकू पढ़ो जना उठो ये सारे वाकयात खड़े के अल्लाह दे जाते पाक ने अपने बरगुजीदा बंदे को कितना मकबूल दुनिया दी धरती दे रखे आपने फरमाया अल्लाह से जितना मुर्दा शे जिंदा थी वैसी तेरा बंदा उठाई बैठे रब दी जाते पाक ने फरमा उठाई बैठे आपने फरमा उन कीड़ी चीज चावा जेडी होवे मुर्दा जेले उठाई वने जिंदा थी वने अल्लाह दी जाते पाक ने उना दे दिल दे अंदर इल्का कीता आपने फरमा क्योंकि तू सण पैदल सफर पे करेंदे वे और टूरदे पे वे और इत्ता कोई होटल तक है नहीं कोई ढाबा तक है नहीं कोई रेस्टोरेंट तक है ना होसे बाकायदा तौर दे उते उता कोई होटलिंग वाला सामान तक है ना होसी मगर जंगल दे सफर पे करेंदे वे तू सही में करो खारी च रोटी पकवाओ चा रोटी पकवा दे तू सा मच्छी भुनो चा मच्छी भुन दे तू सा रोटी दे विच रखो जा जेले भूख लग वने वाल ई को मच्छी को भाजी बना दे कवाए चा सुभान अल्लाह ते जित्ता मच्छी जिंदा थी वजे समझाए बंदा उठाई सुभान अल्लाह ने मुसले सलाम ने फरमाया वल मैं कल्ला नहीं टुरदा चलो आपने नाले का खलीफा ही नाला दे टुरदा आप दा जड़ा खलीफा ही ना हजरत यूशा बिन नून है आप और हजरत मूसा अलैहि सलाम के दो में टुर पे टुरदे टुरदे एक जगह दे पहुंचे आप जले भूख लगी ना आपने खलीफे को फरमाया आपने फरमा रोटी दिया खाओगे ओ जले रोटी दे तो ने ना खागी तो एक भाई जात दे वाते पहुंचे जितो बड़ी सारी एक नहर है नहर दे ते उना दे विचू नहरा दे विचू नहरा निकल दिया प्यार घाटे घाटे दरख्त आपने फरमा थके डाडे वदे मगर ई जात दे तेरी आराम कर गे ने तेरी कमर लंबी कर गे ने तेरी थकावट दूर थी वैसी सही निकल वैसी कैलूला कर गे दे हजरत मूसा अलैहि सलाम आप दे हाथ दे अंदर ना बयाक वक्त आसा मौजूद होता है सोटी मौजूद होती है और जड़ा वो आसा है ना वो इतना मौजाती आसा है कि इंदे विचो अल्लाह दे अंदर पाक ने दा बोझ से जाहिर की तेन वो सोटी विचो सोटा कितना आई आप दे हाथ दे अंदर 40 गज लंबा सोटा आई रोशनी निकलती है अगर आप थोपे बदे ना जमीन घाटा दरख्त बनवेदा
छां बणवे जई आपी ते तले सब पवेना नींदरा वे जई बंदा जो पटे ने वो सोटा सुभान अल्लाह मुसलम पर बंदे आ गए हुजूर पानी इतरे लगी ते पानी त पिलाओ छ भाई जिस तस्का मुसा ले कौमी फकुल नदरी पे साकल हजर बन बजरत मिन होतना ता आशरत आईना कद आलिम कुल नासी मशरब कुल वशरब मिर रिस्किल्लाह वला ता फिल अर्द मुफसिदीन हजरत मुसलम सलाम ये सोटे को मुंदा करे ने की ते जो पानी दा चश्मा निकल सुभान अल्लाह मुसलम सलाम को बंदे आ गए हुजूर फलानी बस्ती रे ने बंदे सारे को पैसा गिर गए ते वरसा को वापस नी वला दे रे दे कर्जा नी पेला है आपने फरमा तुसा क्या चाहदे रे ना के हुजूर तुसा सारे नाल के लोग पे तोरा रोप इतना है तोरा दब दबा इतना है करी हैबत इतनी है बंदे काको देख ते ना सबको कर्जा दे सन जा आप फरमा ने छोटा चाती वजो जेले वो थाई वे सो बंदा बणवे सी जेले वे को ने सो छोटा सुभान अल्लाह इतना कुछ मुझसे ई छोटे विचो निकल दे बल्कि हत्ता की इतनी रिवायत है मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह दिया ते पाक ने फरमाया ऐ मूसा इमे करो ए फिरौन जड़ा ई वक्त जमीन उते खुदा ही दावा की थी बेटे ना इंदी दरबार च वन्यो और मैं खुदा दी वादानी या दा पैगाम दे मूसा अलैहि सलाम जेले उदी दरबार च पहुंचे तो बड़ो सरव दा दरबार आई पर वजीर कुर्सियां भी चाहिए बैठे आप आधे कुर्सी दे विच बैठा है नाल आसिया बिनत मजाई दी घर वाली बैठी आई जमीन दे फर्श देते ना वरिया दे नाग बनाते जमीन दे खिडवे दा बैठाई हाई असल दे खट दा वाण मगर सामरी जादू गर जादू दे असर नाल नांग बनाते जमीन दे खिडवे दा बैठा मूसा अलैहि सलाम जेले डिटा ना सारे जमीन दे फर्ज ते नांग ही नांग है आपने अल्लाह दी पाक मार के चार की अल्लाह से तेल रखन दी जा कह री पैर रख तू दे तक की में वणा अल्लाह दिया ते पाक ने फरमा मूसा डर ना आ फरमा अल्लाह से की में वणा इदे ते नीरे नाम किने पेन अल्लाह दिया ते पाक ने फरमा तेरे हाथे च सोटा है ना जी हां फरमा 60 जमीन दे मूसा अलैहि सलाम ने जेले सोटे को जमीन दे ते सट्टा फर्श दे उते ओ सारे नांगा को खा दिया वलदा जो चाहता वो सोटा खलीफा जागदा पिया मच्छी जो निकली है ना पानी च बह गई चलो खलीफा जल्दी कर रोटी सीधी कर रोटी खा गई ना वाला का सफर करे ने ओ जेले रुमाल खोलोने रोटी खोलोने विच मच्छी है आपने अपने खलीफे को फरमाया आपने फरमाया जे बोटियां ही खावणी नहीं तो रोटी तो खा वनिया हुआ के हुजूर एक बई गल सुन दे मैंने कहा क्या फरमाया फअनसानी हुशैतान मैं को शैतान दसावना भुला दे उन्हें के हो किवे आप फरमा जीता सुत्ते ना हासे उन्हें के जिया आप फरमा फत्ता कदा सबीलहू फिल बहर सरबा आ फरमाए हूं जाद ते ना मच्छी जिंदा दी दे पानी च बह गई आ फरमाए वो पानी विच उठाई मच्छी बह गई होना के जिया आ फरमाए वो सियाना बनया उठाई दा बंदा बैठे जेड़े बंदे को लब दे वदे जेड़े बंदे को गुलें दे वदे जेड़े बंदे को तलाश वदे करने है आ अपने फरमा अजीब जई नहीं जानी है वो मच्छी जे को बंदा दरिया च पकड़ावे ओ मर वेंदी है बालू को बंदा छिले च वाल मर वेंदी है बाल बंदा जेले टुके च वाल मर वेंदी है बाल जेले बंदा भात पकावे च वाल मर वेंदी है आपने फरमाए जे दे उते इतनी दफा मौत आई है भला वही जी पई है आपने फरमाए जे बंदे को गुले दे बंदे उदे च ताकत ही इतनी है सुभान अल्लाह बंदे दे अंदर नूर ही इतना है आपने फरमाए हुण वाल किवे पता लगसी मच्छी पौनी च वदा होए पता नहीं लगदा ए बंदा जमीन ते वदा होए उदा खुरे दा निशान लग वेंदे उदे पैरां दा निशान लग वेंदे उदे कदमां दा निशान लग वेंदे पैरों वाडियां को पता लग वेंदे सुराखियों को पता लग वेंदे सुराखियों को पता लग वेंदे पैरां दे खुरे आले को पता लग वेंदे खोजी आले को पता लग वेंदे मच्छी पौनी च वदी होए किवें पता लगसी क्यों मच्छी किथा गई है आपने फरमाया जो उदा सही जेड़े बंदे को वदे गुले ने आए अल्लाह उदा निशान मिटण नहीं देना वापस जिले हूं जाद उते पहुंचे आपने क्या दिखा जितना जितना मच्छी पानी च तैर दी गई आई सारा बा
कुरान आदे सुरंग बन दी गई आई, सुरंग को आदे सरब अरबी दे अंदर सरब उस सुरंग बन दी गई आई। हजरत मूसा अलैहि सलाम लिखता उतला पानी उत्ते रुका करे, सैडा ला पानी सैडा को रुका करे, तल्लू जमीन दा खुशका निकला पे। मूसा अलैहि सलाम जो हु गार जो बड़े जीवे जीवे मछली तैर दी गई निकल दी गई हूं जाद ते वंते पहुंची जितना एक जमीन का टुकड़ा बिल्कुल खुशक आई। हजरत मूसा अलैहि सलाम जो पहुंचे वो खुशक वाले टुकड़े देते पॉइंट रिटर्न एक बड़ा सारा बंदा सुता पे मुंह देते चादर बादी पे। आपने फरमा मेरे ख्याल से बंदा था कि होए मुर्दा मच्छी जिंदा थी ये निशानी इधर ही दसाया। आपने फरमा सलाम वालेकुम या अब्दी अगर बंदा थे वालेकुम सलाम या मूसा कलीमुल्लाह कमाल थी गई मेको थोड़े देर मच्छी घेर नहीं है आपने फरमा तू मेरे को इो कुछ देखना है ना वा अल्लाह ना हो मिल्ला दुन्ना इल्मा कि मेरे को इल्म किडू आए उन्हें जी हाँ। आपने फरमा इो कुछ रह सौ चाहे तेरे को इल्म जो आए किडू आए। आपने फरमा हूं तुसा वो इल्म मेरे को गिनना चाहते वे उन्हें जी हाँ। आपने फरमा मैं इल्म देना अपने तक महदूद नहीं रखता ना मैं अपने तक इल्म को बचा के रखता पर एक गाल सुन गिनो काला आलम अकुल्ला का इन्ना का लन तस्ततिया माया सबरा। आपने फरमाया तुसा मेरे नाल टुरना दहे पर तुसा मेरे नाल सबर नहीं करना तुसा मेरे नाल सबर करो चा जेड़ा कुछ मेरे को वदे मैं तो उड़े सा सुभान अल्लाह पर दही में नहीं मिलते उन्हें बंदे को गोलना पड़े तलाश करना पड़े बंदे वास्ते हरबे करने पड़े बंदे वास्ते सफर करने पड़े बंदे वास्ते तक दो करनी पड़ी है। त्रै बाबे आपस में बैठे आते त्रै बाबे की मुलाकात थी गई हजरत बहाउद्दीन सिंह दी हजरत नजमुद्दीन सिंह दी हजरत फरीदुद्दीन सिंह दी ये त्रिए वड्डे जवान मैं तो सिर्फ में अकेला ना खड़ा गिना जवान पाए दे हैं सुभान अल्लाह वड्डे वड्डे जवान हैं। नजमुद्दीन सिंह पूछा फरीदुद्दीन सिंह को फरीदुद्दीन सिंह पूछा बहाउद्दीन सिंह को आपने फरमाया कोई बंदा ही टकरे वे का फरमाया हरी लबदे वदे सुभान अल्लाह। आपने फरमाया पूरे मुल्तान है तो कोई बंदा नहीं लभा। आपने फरमाया बंदे तो हैं पर हाली तक बंदा मिला गए नहीं। आपने फरमाया बंदा लभो ना के लभो आपने फरमाया कितना लभो आपने फरमाया बलोचिस्तान दे पहाड़ा च देखो मतन कोई लुका बैठो आप चले गए कोई बंदा ना मिला। ईरान चले गए वाली कोई बंदा ना मिला। लुबनान चले गए वाली कोई बंदा ना मिला। अफ्रीका दे पहाड़ा चले गए वाली बंदा ना मिला। फरीदुद्दीन गंजे शकर जड़िया ना आप जरी डाढ़ दी तबीयत ते हन हजरत उमर बिन खत्ताब दी औलाद च हन पाकिस्तान दी सरजमीन ते उमर सिंह दी औलाद च दो पुत्र अजे ही सुते पेन एक फरीदुद्दीन सही सुते पेन एक बाबा फरीद बिया खाजा फरीद सुभान अल्लाह। हजरत खाजा गुलाम फरीद आप भी कुरेजा खानदान नाल फारूकी खून हन और हजरत बाबा फरीद दिन गंजे शकर आप भी फारूकी खून हैं हजरत उमर बिन खत्ताब दी औलाद ही जो है। आप जले डिठा ना इवे बंदे वदे लब देवे आओ तक बंदा मिलवावा उना के किथा मिलवे सो आप ना बगदाद चलते बगदाद दी सरजमीन उते पहुंचे ना ते बगदाद दे अंदर आए आपने लोगों को पूछा फरमाई ता कोई जवान है आप फरमा नवा नवा जवान उगवा पे लंगर चलते पे ठंडरियां कोहीं दिया पे देगा चढ़ियां खड़ियां गुलाम शापर ते बाल्टियां भर भर दे वेंदे पे आप फरमा चलो दे दे पत्नी जवान की हो जे यो ई में पहुंचे तो आप ही में हमाचे दे उते बैठे खुलाफा मुरीदीन आपको घुटे दे पे खिदमतदारी करे दे पे आप दी ने आंख दे विच सोना सोना नूर जो छलकदा पिया है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर सही नजमुद्दीन सही को ते बहाउद्दीन सही को फरमाया आप फरमाया जवान ठीक है सुभान अल्लाह सरे के चाका जा आप फरमाया जवान तरकड़ा ही है उना के हो किवे आप फरमाया आंख दे विचो ना इदा छप बेदारी दा झलका नजर आंदियन और इदी जुबान तो कुरान दी तिलावत नजर ने रंग तो पता लगदे दी को जवान रोजा रख दे रात को कयाम करे सुभान अल्लाह बंदे दी सुजान ई थी दी होदी। आपने फरमाया अच्छा ना के जी आपने फरमाया चलो बंदा दा मिल गया बसते बाण ते आ गया जी सात महीने ते लंगर के नीचे खादा ई मैं करने दी तसल्ली ना लंगर खा के ने बंदा वेंदा दा नहीं पर बंदे को मिल गया या ई मैं दस्तरखान ते लंगर खिंडदा पिया दे लंगर खावण वास्ते जो बैठे खलीफा जल्दी नाल खड़ा दी गयो ना के ओए उठ नमाज दा टाइम दी के पहले नमाज सुभान अल्लाह बस बस जेले खलीफे साहब और ईओ कुछ आखना आपने फरमाया चलो पहले
खलीफे दा आखा चमन ने नमाज च पढ़ दे यार, नमाज पढ़ दे मैं फारिग जो थे ना। हजरत बाबा फरीद दीन गंजे शकर सिंह फरमाए नुद्दीन सिंह बहाउद्दीन सिंह रघो आपने फरमा पते हुण लंगर अज मिलदे या वल पता नहीं कल ही टाइम मिलदे, पीरां दा लंगर है के पता के रेले मिलदे, उठो कोई ढाबा शाबा दा गोलो। आप अपने खलीफे को साथ से फरमाए, आपने फरमा खलीफा उन्हें के जी या फरमा त्रै बेली मुल्तान हुए बदन लंगर दे, आपने फरमा इन्हों को लंगर दे वहां जा उन्हें के जी या आपने फरमा लंगर दे उन्हें के जी या आपने में लंगर दीता लंगर दे दे आपने फरमाया जवान तो ठीक है यही पता लग गए जवान को आए मुल्तान हुए यही पता है भूख डाढ़ी लगी बदन लंगर का ना ही खलीफे को आप आके नहीं जेड़े पीर को मुल्तान का पता है जेड़े पीर को भूख का पता है बल ऊ पीर को यही पता कहना उसे आए आपने उठाऊ बैठे वाल फरमाया फरीदुद्दीन सही आप फरमाया जवान दा है तरकड़ा दरी वट वेवरा दा घट ते दसावे भाई के को बैयत करे दा ते के को बैयत ना करे दा। आप वाल कुर्सी दे ते बीमार दे ते आप अपनी चार पाई दे ते आप जड़ी नशिस्त ते बैठन उठाऊ बैठे आपने वाल फरमाया फरमा खलीफा उनागे जी आप फरमा इना त्रिहा को आख चा नजमुद्दीन दे हाथ ते जी हाथ मैं देसा बहाउद्दीन सही दे हाथ जी हाथ मैं दे सा पर ए जड़ा फरीद बैठे दा सुभान अल्लाह इन दे हाथ जी हाथ मैं कहने दे सा इन दा पीर दिल्ली बैठे हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को बैयत हजरत बाबा नजमुद्दीन सिंह को बैयत की तो ने हजरत सैयदना बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी को बैयत की तो ने नजमुद्दीन वाको जी आ फरमाई था टेक वाल मदरसा बनाओ आ फरमा ठीक है आपने फरमाया वाल बहाउद्दीन नके जी आ फरमा रावी दे किनारे दे बाई वाल उता मदरसा बना आप वाल इदे आ गए आप उठाई बह गए बाबा फरीद आई सोने जवान हन फरूकी खून आई जोश मारा आ फरमा मेरा ही पीर हुंदा चलो मैं कोई आ के आ चलो भाई फापा लदा तेरा कामिल जवान आई बूहे तो भला वली दे बूहे तो खाली वेंदे आपने फरीद लगे जी आप तू वल जिथा गिंदी बिछा दे से जंगल मंगल हो पर जरन आप आधे उठा बैठे हम तुम्हारे अजू धन आई जरन आपने आधे डेरा लाया वाल पत्ता नाई सुभान अल्लाह बल जले जवान आधे बेटा आई वाल पाक आई सुभान अल्लाह सुते हुन शरीफ है पूरा नाम क्या बन गया पाक पतना शरीफ हालांकि पतना को कदा कहीं शरीफ आखाई गए सुभान अल्लाह मगर सदके थी वना ईमान नाल आज भी सदीदा पे पाक पतना शरीफ इतना सारे आ तो चा पाक पतना शरीफ एदा वाला को चा मुल्तान शरीफ एदा वाला को चा सियाल शरीफ एदा वाला को चा गोलड़ा शरीफ एदा वाला को चा खनका शरीफ एक दफा बल आको चा महार शरीफ एक दफा बल आको चा कोट मिठन शरीफ हूं एक दफा ख्याल ना लगाया चा रायमंड सुभान अल्लाह हालांकि पाकिस्तान के सारे शरीफ तो ही रहे मगर आज तक कहीं दी जुर्रत कहीं नहीं कोई आखे चा नारे तकबीर चलो आप उठा बह रही है जवान उठे बह रही है जवान उठे बह रही मैं बंदे की गल ही खड़ा कर बंदे बंदे सुभान अल्लाह ये हैं बंदे असल में बंदे हैं रन बाजार है जिसे भी कई बार छड़े कोई बंदा
इतना पार है चौकी दुकान चलती पी है बाबा फरीदुद्दीन चलता 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 जवान मुल्तान जो पहुंचा ना मुल्तान बस्ती के अंदर पहुंचते एक औरत निकली आपने फरमा अम्मा ये कोई पीर है फरमा जी फरमा क्या ना है आपने बाबा दीन ज़करिया मुल्तानी सरकार जले डिठा आपने फरमा फरीद ये जवान है फरूकी खून ते फरीद इना ना है हे जवान को बाल हद तिखाई को ए पता कने में बंदे ने गाल कीवें करिंदे ते अलहदा गाल कीवें करिंदे मैं बैठा मुरीद है ज अज जग दा जवान दी लथी है ते गाल सिद्धी करने दी रिया जियत नहीं करेदा आप इवें कुर्सी ते पैते फरमाया फरमा फरीद है ना के जिया आप फरमा वल तू इने वास्ते कुर्सी मंगवावा मैं ते कुर्सी ते बैठा या गिनती जड़ी मोढे ते चाहिए वदे तू हिंदे ते बात है आप उठो खड़ते फरमाया फरमा तू अपनी कुर्सी दी खैर मना अगर आंखा हवा है छुटे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फरीद सही जले इयो लफ्ज अलै ना हवा है छुटे बाहुद्दीन सरकार दी कुर्सी हवा है चाहिए ते बाहुद्दीन आप सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जोर कुर्सी को तले किया तले लथे गलकड़ी पाते फरमा फरीद की डाढ़ी अशर आपने फरमाया मैं कई यार को मिलन में पिया फुल हार पवे थी यार को वे पिया फुल दया पत्तिया सटे सी इस्तकबाल करे थी नारे यारे मरवे थी अगू यार प्या दे तू गिनती दे बाद मैं कुर्सी दे बैठा ताए के समझे देखो ये पता कहना ही मैं पोतर के दा रुकी खून जो हम आपने फरमाया हुन टिक दे क्या करने अगर मैं रात ही नहीं टिक दे बटे डले सु रात सारी रात जाग दे रही है आपने पूछा यार आया कि मैं इधर सा जा अब मैं तुआडे वास्ते तक गियम पीर ला भया ची 7 महीने दे बाद तुआडे पीर और फरमाए तेरा पीर दिल्ली बैठे हुन मेरे रल्ले जो लोवल पीर दे हाथे च हाथ तड़ी वाओ भैया तकरवाओ आ फरमाए देखो काका खुदा दा ना इकल्ला आप वन असन तेरे रल्ले दी वजह के वजह क्या आ फरमाए जड़ा साडे नाल ही में कीती वदे पता नहीं चला गए लेट है देर पहुंचे कामिल जवान चले गए फौती गए पर आपने फरमा चलो हुना दी औलाद चो कोई वधे उन्होंने जिया हुना दी औलाद चो है आपने फरमा विलायत सत पुश्ता तक रा चलो उन्हें बिचू अगर पुत्र वधे तो चलो विलायत हो सी पाई आप फरमा जब बाल छोटा जाए आप फरमा भावे छोटा जाए पुला न होती है पुत्र तो होता है मिलवाओ तो चाह बस ये जले की हो को जुमला दिते ने ना आपने फरमा वाल बाल कितना हो से उन्हें के छोटे जे बाल थे पीना दे बाल है लाड़े बाल है किने खेत दे शेत दे वधे हो से आ भी मैं बनियन जो सही बस्ती दे बारो बड़ा सारा एक ग्राउंड है बाल खेत दे खड़े गेंद ना सरे के लेकिन खुद दे ना खुद दा बाल में सटे दे खड़े चे दे खड़े खुद दे ना खेत दे खड़े आप ने फरमाई ना पाला ही चु पाला को पूछा मैं पीरा दा बाल केड़ा है आज आप पाला को पूछण वास्ते मैं अगन टू ना बाला जो एक बाल खुद दा मेरे दर सटे हदे फरीद खुद दा चाहिए सुभान अल्लाह आ फरमाई ने जले में एक बाल आके ना खुद दा चाहिए नारा रिसाला खिलाफत
جڑے بال میں کو اگنا خدا چاہیے میں کہ وہ بالا تیری میری کوئی مذاق دا کہیں نہیں چلو ہن بال اگر آخری تے چلو خدا چاواں دا جا ہے دا خدا آ فرمن ٹھیکا تھی تے میں کوئی چاواں لگا چا 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 تھکا خدا نہ ہلنا ہائی نہ ہلنا نہ چاواں نہ ہائی نہ چاواں فرمیندن پسینے نال چھبی جیاں کپڑے پسینے نال بھری جیاں بھائی زبان چدن پسینے نال شراب بور تھی گن میرے کو خدا نہیں ہلنا فرمیندن جلے میں ڈٹھے نا خدا نہیں پہ چلدا پسینے نال کپڑے چھبی جیاں بالی میں سامنے کڑائی دے میں بال در دیکھ دیا کہ میں کہ وچوں انا خدا نہیں پہ چلدا بالی میں منہ پراں کر دیا گل ٹر دے دے تائیں کہ سمجھے بھاو دین دی کرسی ائی انہاں جوانا واسطے تساں ٹھوک تے باندھے وے اساں سونے کہیں نہیں ہاں اساں حسین کہیں نہیں اساں اساں او لالچی لوگ ہیں سب پیسے کو دیکھتے تقریراں کرنے ہیں تساں جے دے آستانے تے بیٹھے وے جڑا تو کو بلائی بیٹھے اے تصرف ہونا سبحان اللہ جڑا کہ وقت تو کو اپنے کنٹرول وچ رکھتے بیٹھے نے کہ اللہ دے محبوب ہیں اے اللہ دے محبوب اتنے کامل ہیں کہ رب دی پاک بارگاہ چوں قسم چا چاویں اللہ دی ذات پاک فرمیندے میں تقدیر دا فیصلہ بدلا دینا پر میں رب دی ذات پاک اپنے ولیاں کو جھوٹا کہہ نہیں سبحان اللہ چھڑن کاملین کل آئے کرو ہی وجہ واسطے سارے علماء کرام فرمیندے ہیں جلے مولویاں کل بیٹھے کرو زبان کو سنبھالتے بیٹھے کرو اور جلے اللہ والیاں کل بیٹھے کرو وال دل کو سنبھال بیٹھے کرو اور جڑن چاؤ کے بیٹھے کرو وال آنکھ کو سنبھال بیٹھے کرو اور جڑن دسترخواں تے کھاون بیٹھے کرو وال ہاتھ کو سنبھال اور ایک گل میں ضروری آکھنا سمجھدا اور میرا ٹائم بالکل تھوڑا رہ گیا اور میرا انہاں نال وعدہ آئی 11 بجے دا کہ میں انہاں کو عرض کیتا میں کہ ایک نعت ہے تہاڈی ایک نعت دے بعد فوراً قوالی شروع کرا رہیو ہے 11 بجے میں تقریر شروع کر دے سا اور والا سا عاشق لوگ تھی نے چشتی قادری لوگ تھی نے قوالی نہ ہوئے ساڈے ٹکر ہاتھ ہونی تھی مارنے کو قوالی پچ دی نہیں تھی ساڈے ٹکر ہاتھ ہونی تھی مگر قوالی کہ میں جڑی گال تو سمجھاونا چاہنا کہ جی میں آج تو سا قوالی سنی ہے نا قوالی میں سنی ہے اور قوالی اجامی تو سا تو اڈیج کچھ کمیاں ہاں اور میں صاحب زیادہ صاحب تشریف فرمائے وڈا آستانہ پاک نال آپ کا تعلق ہے حافظ جمال اللہ ملتانی لجپال کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ذات پاک نال آپ کے خاندان مبارک چھوں میں ڈرتے ایک بات اور خدمت اچار کرنا چاہنا کہ تو سن عرص پاک دی محفل چیوے اور عرص پاک دی محفل دے اندر قوالیاں جب تک نہ تھیں ان وقت تک سارا ساکھوں روحانیت نہیں ملتی ہوں دی اور قوالی واسطے ترائے چیزیں دا ہونا شرط ہے کتنی ہیں آگے نہیں تو سن قوالی واسطے ترائے چیزیں ہونا لازمی ہیں شرط ہے زمان اخوان مکان یہ اوکھی تقریر تھی کہ یہ چلو میں کچھ اوکھی کرے نظر آئے کہ والا سمجھو چاہ زمان ہوئے اخوان ہوئے والا مکان ہوئے زمان وقت ہوئے سبحان اللہ اخوان سننے والے ہوئے سبحان اللہ سمجھنے والے ہوئے سبحان اللہ فیاض دو کلام پڑھیں دو کلام اچ دو شعر پڑھیں ہاں کڈی بیٹھائی چیری بیٹھائی ہاں تے اگر کوئی عاشق بندہ بیٹھا نا مر ونیا ہی تھا اگر تو سب اتو تو سن دے بیٹھے آن محبوب الہی خواجہ خاجگان خواجہ خدا باش خیر پوری خیر پور پور شریف ٹامی آلے آپ دے آستانہ پاک دے تھے خواجہ خدا ہی آن سنگ جلے عرص پاک دی محفل دے اندر شریک تھے آن آپ رستے چھ بینے خلیفہ دی خدمت ہے ہر کتوں نے پیدل چلنے آپ دے صاحبزادے وچوں اجاں وی کچھ احباب ہیں جڑے آپ دے عرص پاک دی محفل دے وچ ایتھوں اوتھاں تک پیدل رہن تساں کیا سمجھدے وے ساڈے آستانے پاکاں دی کتنی قدر ہے پیر پٹھان دے صاحبزادگان اج وی جمعہ اج وی ہر جمعہ مہار شریف چشتیاں شریف پڑھدے ہیں غالباً آون ونجن دا جڑا ڈیزل ہے 60-70 ہزار ہے اور اوتھا وائی کے پکے دا لنگر پکے دا سبحان اللہ سال بعد ہی آندے وے تے والا ادھا میلے کو دیکھ کے آندے وے تے ادھا تھا کو دیکھ کے
ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਚਸ਼ਮਾ ਕੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਗਏ ਸਨ ਚਸ਼ਮਾ ਉਹ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਜੁਮਾ ਪੜ ਦੇਖਣੇ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਇਵੇਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਂ ਜੀਂਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਨ ਮਗਰ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਾਦਾ ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ वजह तो है ना उन्होंने अंदर कोई क्वालिटी है ना उन्होंने अल्लाह दी ते पाक ने कोई ऐसी मकनातीसीयत रखी है जिंदी वजह से रूहानीयत मकनातीसीयत है सुभान अल्लाह चलो मैं जड़ी गल अर्ज करना चाहना कवाली वास्ते ना वक्त होंदे और मैं गाला दा भी मेरे तो फतवा ना लगाए एक होंदी है राग और राग एक वक्त च पढ़ी अगर वक्त च पढ़ी पई हो बादल त्रुट ठह पौने धुप खड़ी हो बादल आवेंदे ओले मीह बस पौने जमीन दे जलजला आवेंदे पढ़ने वाला को कामिल हो पिछले वाला एक साढ़े काके की शादी थी है तो मेरे को आखन लगा शादी के को सदा मैं जे कोई सद मैं कहते के को सदा मैं जे कोई सद उन मकसद है भी पीर कुछ अलावे मैं तू दसा मैं यही को सदा मैं सद ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਥ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਥ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਥ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੰਜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਥ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚਾਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਥਈਆਂ ਪੰਜਵੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਗਾਰਾ ਹੀ ਸਕਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਨਾ ਢੋਲ ਅਤੇ ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਗਾਰਾ ਨਗਾਰਾ ਇਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾਣੇ ਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਦੌਰਾ ਦੌਰਾ ਉੱਤੋਂ ਈ ਦੇ ਤੱਲੋ ਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਨਗਾਰਾ ਅਤੇ ਨਗਾਰਾ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਗਏ ਮਤਲਬ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਨਾ ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਚਲੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਗਏ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਅਗਾਂ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ 11-12 ਦਾ ਟਾਈਮ ਥੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਗਾਰੇ ਲਗਾ ਕੋ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਵੇ ਸਵੇਰੇ ਵਾਲਾ ਗਾ ਮਾਮੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਰਨੇ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਖਾਂ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਮੇਰਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੀਰ ਸੀ ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਗਈ ਨਾ ਮਿਰਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਗਾਰਾ ਬਗੈਰ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਿਰਾਸੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਰਾਸੀ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਵਧਾ ਓਏ ਮਿਰਾਸੀ ਤੂੰ ਨਗਾਰੇ ਕੋ ਬਗੈਰ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਿਰਾਸੀ ਨਗਾਰੇ ਕੋ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਅੱਖ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਕਹਿਣਾ ਆਈ ਜਿਹੜਾ 18 ਤਰੀਮ ਦਾ ਨਾ ਪੀ ਹੋਲਾ ਹੋਲਾ ਨਗਾਰਾ ਕਈ ਰੰਗ ਚ ਵਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਸ ਚਲੇ ਵਜਾਵਣ ਬੈਠੇ ਨਾ ਪਰ ਜਿਤਨੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਮਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਲ ਉਹ ਨਗਾਰੇ ਆਂਦੇ ਖੜੇ ਮਗਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇ ਵਜਿਆ ਨਹੀਂ ਵਜਿਆ ਕੀ वजह क्या है उस समान रलिया ना अखवान रलिया ना मकान रलिया ना वालचा सावया ना ना वो हुन समान प्यार रल दे ना अखवान प्यार रल दे ना मकान प्यार रल दे आज अगर कवाली दी लज्जत चावना चाहंदे वे बल्कि में आस्थाने ते बैठे करो बा वुजू थी ते बैठे करो बल पढ़न वाला बा वुजू होवे बल जेले कलाम पढ़ींदा पिया होंदे ਵਲ ਮੈਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਇਥਾਈ ਹੈ ਮਗਰ ਗਾਨੀ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਜੇ ਖਾਜਾਨ ਖਾਜਾ ਖੁਦਾ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਜਲੇ ਆਸਤਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮਹਿਬੂਬ ਇਲਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਖਤਮ ਪਾਕ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਹੈ ਪਰ ਖਤਮ ਪਾਕ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਾਲ ਨੇ ਕਵਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਾਓ ਕੇ ਪੜਾ ਆਪ ਇਹਨੇ ਜੋਸ਼ ਕੋਲ ਜੋ ਖੜੇ ਤੇ ਖਾਜਾ ਖੁਦਾ ਯਾਰ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਵਾਲ ਆ ਮਰਨ ਚ 3 ਸਾਲ ਰਾਂਦੇ ਪੈਣ ਮਰਦੇ ਪੈਣ ਉਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਫਰਮਾਇਆ 3 ਸਾਲ ਆ ਜਮੀਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਂਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਾਈ ਬਣੇ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਗਰ ਆਪ ਦੀ ਖੱਟ ਨਾ ਚਵੇ ਇਤਨੀ ਵਜ਼ਨੀ ਸੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਖੁਲਾਫਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਰਾਜ਼ ਕਿਆ ਹੈ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾ ਮੁਰਾਕਬਾ ਕਰੇ ਨੇ ਸਾਇਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਾਇਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਇਛਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਾਜ਼ ਕਿਆ ਹੈ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ
खुदा यार पिछा वादा की थी, पहले वादा नहीं भावन डो वादे क्या हैं। आप जले पैदल आंदे पे तो खलीफे की खिदमत जार की तो आपने फरमाए लोग तंग करे सन इन्हें को ना दसा पे पी रहा पे बस कमाल है हो गए खुशबू ते खुशबू ना पूरी दाम खिदमत चार की हुजूर बैयत करो चा आप मैं वापस आ सवाल बैयत कर वापस आ सवाल बैयत कर लग दे के सारे नाल वादा करें दे जे तो ही फौत थी गए उन जले तो ही फौत है आप दी खाट ना चवी। आपने फरमाया अपने साहबजादियों को आपने फरमा पीछे वादा कराया सुभान अल्लाह बैयत करने होना के हुजूर फौत नहीं बैठी गए आपने फरमाया मोमिन ही मरते हैं। एक काम है लोग महबूब लोग होते हैं बड़ पसीदा लोग होते हैं इन्हें नाला दावत ना रखा है इन्हें नाल बोझ ना रखा है इन्हें नाल हसद ना रखा है। मौलवी अशरफ अली थानवी को पूछा ने इन्हें वलियां को क्या है कि सुन्निया को क्या थी वेंदे इन्हें जड़ा नहीं कोई मरदे तफाफे लदे दे कोरबे दफना रहे हैं लारे नूरी लाल दे कोरबे दफना रहे हैं किबला आलम सिंह दे कोरबे अंदर दफना रहे हैं लजपालन दे कोरबे दफना रहे हैं हजरत बहाउद्दीन सिंह दे कोरबे दफना रहे हैं। वजह क्या है आखन लगा मेरे को गोस आंदा पे गर्मी लगदी पे कोई है जरा पक्का चले सुभान अल्लाह जलन लग गया जले पक्का जलन लग गया उन्हें कोई पूछते हुए देखो हवा लगदी पे होना के जी वो के झले ने हमें एक बेटे को हवा क्यों लगदी पे तो आधे सदके वर साहब कोई लगदी पे आप मैं उठे इमाम लाई हूं दफनेसो अल्लाह करीम औलिया कराम दे फैजान दी बरकत नाल उन्हां दे हाल दे रहम करम फरमेसी। और एक बई गल जिहड़ी गल मुक गई दरबार दे खुशी कीता करो मेला ना लवाया और सो कवाली सादा रंग शबीना सादा रंग कुरान खानी सादा रंग रात खानी सादा रंग तिलावत खानी सादा रंग वाजो नसीहत तकरीर करना सादा रंग मेले का रंग सादा रंग मेला बायात है आवलाब है पुराई है अयाशी है फुहाशी है बुरिया है अल्लाह नाराज नहीं दे मेला लवामा नाल वली चले वली कह रही है मजारा होंदियां तवीज होंदे ने सरी होंदे ने विच जवान कहंदे ठीक है ना उस ना आया करो हां दुकाना शुकाना बना के देंगे करो ए झोम तड़क ना मेले शेरे इधर सटैंड मटैंड ना क्या है ए ना होवे और नाल कब्रिस्तान होंदे बना बेहूद की थी ठीक है ना नाराज तो कहना थी सब नाराज ते नाराज ना थी रहा ना थी बार गए दुआ पे ले मैं कि चाचू मुनीर साहब और आप जले मेरे को गए ना चाचू मुनीर साहब ता इरशाद फरमाने भाई मेरे को आसे मैं आके मैं तकरीर तो बाद आसा ना के प्रोग्राम दे रहे थे चोखे लिखे पे होनी वाला तो उनी वाला नौ लिखे पे ते दो विच ऐड बल बे कर के दिया नौ दा 11 11वें प्रोग्राम विच मैं आया एक बंदा एक घंटा 11 घंटे पैरों के बाहर खड़े रिमोट तक है नहीं यूपीएस नाली के नहीं चलता तो सांची थो उठी दे मेरे खाना दे इतनी चला मैंने को 5-10 किलोमीटर के पास ले दे तो मैं एक दफा वालू था मैंने सवेरे वाली लगी मेरे को पता है जिमें सवेर के वल मामूलात शुरू थी मैंने कोशिश की था करो अल्लाह की पाक बन गए दुआ भी ना करो अल्लाह सब दी हाजिर है।